विमेन T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने लगाया सिक्सर। फाइनल में उसने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया की गार्डनर ने ये कहा, ये माना कि भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में उनकी टीम का जो प्रदर्शन रहा वो इस टूर्नामेंट के लिए उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। और क्या क्या हुआ इस फाइनल में और इस विश्व कप से, महिला विश्व कप से क्या बातें निकलकर बाहर आई, उस पर आज बातचीत करूंगा। आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। केपटाउन न्यूलैंड्स में ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप के फाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से पराजित किया। कई बार ऐसा लगता है कि ये जो महिला T20 का विश्व कप होता है ना, मानो ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने के लिए ही होता है। अब देखिए, 8 बार अब तक महिला T20 विश्व कप का आयोजन हो चुका है। पहला आयोजन 2009 में हुआ था और ये अभी 8वां 2023 में हुआ। इन 8 बार में अगर पहले T20 विश्व कप की बात छोड़ दें, जिसमें कि इंग्लैंड की टीम चैंपियन हुई थी और 2016 में वेस्ट इंडीज की टीम चैंपियन हुई थी, बाकी 6 मौकों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ही चैंपियन बनी है, उसे ही विश्व कप का ताज हासिल हुआ है। 2010, 12, 14 लगातार 3 बार, तो जो चैंपियन बनने की पहली हैट्रिक है वो ऑस्ट्रेलिया ने लगाई 2010, 12 और 14 में, और फिर 16 में वेस्ट इंडीज की टीम चैंपियन बनी, और फिर 2018, 20 और अब 23 में ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का क्या दबदबा है। वैसे बात फाइनल की भी कर लें, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और यह एक इंपॉर्टेंट टॉस था। जब भी आप बड़े मैच में टॉस जीतते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है और यही हुआ भी। विकेट पर बैटिंग करना आसान नहीं था, लेकिन पहले बैटिंग करना ज्यादा सुविधाजनक था। जब भी आप बड़ा मैच खेलते हैं तो आप चाहते हैं कि आप स्कोर बोर्ड पर रन लगा लें ताकि विपक्षी टीम पर उसका दबाव बनाया जा सके, और यही फाइनल में भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। बेथ मुनी, जिन्हें कि बड़े मैचेस में खास करके विश्व कप के फाइनल में स्कोर करने की एक आदत सी हो गई है, एक बार फिर विश्व कप के फाइनल में उन्होंने शानदार पारी खेली और जो एक कमाल की पारी 74 रनों की खेली उन्होंने 53 गेंद पर। इसके अलावा गार्डनर, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है, उन्हें भी जो है प्रमोट करके आगे भेजा गया 3 नंबर पर। कप्तान मैनिंग ने अपनी जगह पर उन्हें भेजा था लैनिंग ने, और वहां पर जो है उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और 21 गेंदों पर 29 रन बनाए। लेकिन चूंकि विकेट पर स्ट्रोक खेलना आसान नहीं हो रहा था, ऑस्ट्रेलियाई टीम तमाम कोशिशों के बाद और बड़े नामों के बावजूद निर्धारित 20 ओवर में 156 रन ही जोड़ सकी। लेकिन जिस पिच पर ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को स्ट्रोक खेलने में दिक्कत हो रही थी, तो स्वाभाविक है दक्षिण अफ्रीका की बैटर्स के लिए ये काम और मुश्किल था, और पावर प्ले में ही ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा बना लिया। 5 ओवर में 17 रन पर 1 विकेट दक्षिण अफ्रीकी टीम के गिर चुके थे। यह तो भला हो, एक तरफ से जो फाइट बैक वहां पर किया है लॉरा ने, उनकी पारी की तारीफ बनती है। उन्होंने, लॉरा वॉलवार्ड ने 48 गेंदों पर 61 रन बनाए और उनकी पारी की बदौलत एक फाइट जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम दे पाई। इसके अलावा क्लो ट्रायन ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन इन सब के बावजूद साउथ अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही जुटा सकी और 19 रन से फाइनल हार गई। अब एक बार फिर से हम बात करते हैं कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ताजपोशी हुई, कोई नई बात नहीं हुई, 6ठी बार हुई है, लेकिन अब ये बाकी टीमों के लिए एक चैलेंज है और इस विश्व कप में दिखा, खास करके भारत के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ या दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में जिस तरह की फाइट देने की कोशिश की है, उससे लगता है कि बाकी टीमें अब ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देना चाहती हैं। लेकिन उसके लिए
नाजुक मौकों पर मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत हर टीम को है। इसके अलावा हर देश की टीम जो है, जो बोर्ड है उसका रेस्पेक्टिव, वो अपनी महिला टीम पर प्रॉपर फोकस करे, उन्हें वो सुविधाएं दे, वो सारी चीजें उन्हें मुहैया होनी चाहिए ताकि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का मुकाबला कर सकें। और इसी में क्रिकेट का मजा है, जब आप कोई फाइट देते हैं तब लगता है कि हाँ प्रतिद्वंदिता है और तभी इसका मजा है। फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया को हम एक बार फिर से बधाई देंगे छठी बार विश्व चैंपियन बनने के लिए T20 विश्व कप में। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।